इन दिनों रील्स और शॉर्ट्स का कितना चलन है ये तो आप बखूबी जानते ही हैं। टिकटॉक बैन होने के बाद इसका प्रचलन यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कितनी तेजी से बढ़ा है इससे भी हर कोई वाकिफ है। ऐसे में कई बड़े बिजनेसमैन की नजर इस पर लगी हुई है। उन्हीं में से एक है मुकेश अंबानी। खबर ये है कि जियो कंपनी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ साथ शॉर्ट वीडियो कैटेगरी में भी एंट्री करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। हाल ही में इनकी कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की लाइव स्ट्रीमिंग अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर शुरू की है, जिससे मार्केट में हलचल तेज हो गई। आने वाले वक्त में इस प्लेटफॉर्म पर ही हमें आईपीएल भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने सभी प्लान से डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन रिमूव कर दिया है। इसकी वजह साफ है, कंपनी अब अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना चाहती है और डिज्नी हॉटस्टार की बादशाहत को खत्म करना चाहती है। ठीक इसी तरह जियो ने शॉर्ट वीडियो सेगमेंट में भी एंट्री की तैयारी कर ली है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म का ऐलान किया है जो एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म होगा। इस ऐप को जियो ने रोलिंग स्टोन इंडिया और क्रिएटिव आइलैंड एशिया के साथ मिलकर तैयार किया है। इसके जरिए कंपनी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स की इंडस्ट्री में कदम रख रही है। इस प्लेटफॉर्म पर कंपनी सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर, कॉमेडियन, डांसर्स और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट कर रही है। फिलहाल ऐप को सभी यूजर्स के लिए लाइव नहीं किया गया है। इसके ट्रायल के लिए फिलहाल 100 मेंबर्स को इनवाइट किया गया है और इनकी प्रोफाइल पर गोल्डन चेक मार्क नजर आएगा। नए मेंबर्स को रेफरल प्रोग्राम के तहत इनवाइट किया जाएगा। ये लोग पहले यूजर्स होंगे जो इस ऐप के फीचर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। कंपनी के मुताबिक प्लेटफॉर्म ऐप पर पेड एल्गोरिथम के बजाय ऑर्गेनिक अप्रोच देखने को मिलेगी। इस पर क्रिएटर को ब्लू, सिल्वर और रेड अलग अलग वेरिफिकेशन मार्क मिलेगा। ये चेक मार्क यूजर्स को फैन बेस और कंटेंट एंगेजमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। जियो की प्लानिंग से साफ है कि ब्रांड शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के सेगमेंट में बड़ी एंट्री की प्लानिंग कर रहा है। भारतीय बाजार के इस सेगमेंट में कभी टिकटॉक का एक तरफा राज था, लेकिन ऐप के बैन होने के बाद सेगमेंट में कई नए प्लेयर्स की एंट्री हुई। टिकटॉक के जाने का सबसे ज्यादा फायदा इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स को मिला। अब जियो कंपनी इसे नए साल यानी जनवरी में सभी यूजर्स के लिए लॉन्च करेगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।